पिछले क्लासेस में हमने जाना था कि परमाणु क्रमांक 11 से लेकर के परमाणु क्रमांक 18 तक के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखे थे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं परमाणु क्रमांक 19 से लेकर परमाणु क्रमांक 24 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं परमाणु क्रमांक 19 से। अच्छा जी, यदि परमाणु क्रमांक 19 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा तत्व आता है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कौन आता है भाई, मेरे पोटेशियम आता है। अच्छा जी, यदि हम देखते हैं पिछली क्लासेस में, तो पिछली क्लासेस में सर हमने यहाँ पे आर्गन तक कहाँ तक भर लिया था? तो आप बोलेंगे सर 3p वहाँ पे पूरा भर चुका था। यानी कि अब जो कहानी चलेगी आगे वो किसकी रहेगी? तो आप बोलेंगे सर 4s तक की कहानी रहेगी। यानी कि यहाँ तक तो मैं वैसा का वैसा लिख सकता हूँ। कैसे देखना भाई, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ पे लिख सकता हूँ। अच्छा जी, आप यहाँ पे गिन के देख लीजिए, 6 और 2 8, 8 और 6 कितने हुए यहाँ पे बेटा 14, 14 और 4 कितने हो गए 18। यानी कि सर 18 तक की कहानी तो हम कर चुके हैं। अगली हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे 4s के बारे में। अच्छा जी, 4s की बात रहेगी तो अगला यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे 4s1। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 19 हो गया, पक्की बात है। चलो जी, अब यहाँ पे कक्षकों में भरना इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए, वह तो वहां तक तो पूरा का पूरा सेम रहेगा, यानी कि उसको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे। यानी कि यहां तक की जो कहानी है वो किसकी, यहाँ पे अभी तक तो आर्गन की कहानी है। अच्छा, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, पोटेशियम के बारे में। तो यहाँ पे 4s के पास में कितना चला जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s के पास में चला जाएगा पोटेशियम का। अच्छा जी, अब अगली कहानी की मैं बात करूं तो अब आगे आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर आप इस जगह तक तो सेम लिख दो, आप इस जगह तक तो सेम लिख दो, बस जो लास्ट वाला ये है ना वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, अब यहाँ पे 4s कक्षक में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरी कहानी को वैसा का वैसा लिखेंगे, बाकी जो यहाँ पे 4s रहेगा उसको क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे चिपका देंगे। चलो जी, अब इसको भरना स्टार्ट करते हैं। तो वही सेम कहानी करनी है, बस लास्ट में यहाँ पे जब आएंगे तो 1 था, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 और डाल देंगे। बाकी सबको सेम लिख दो जैसा कि पहले से लिखते आ रहे हैं। ये किसकी बात कर दी हमने यहाँ पे, कैल्शियम की। अच्छा, अगली हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे किसकी, स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम में अब क्या होगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर 4s जो है ना वो तो पूरी तरीके से भर चुका है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, स्कैंडियम की। तो अब किस में भरना स्टार्ट करेंगे, अब जाकर के नंबर आएगा किसका, 3d का नंबर अब जाकर के आएगा। ठीक है जी, तो अब 3d को भरना स्टार्ट करते हैं। 3d के लिए यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो आप बोलेंगे सर 4s2 तक तो वही रहने वाला है, 4s2 तक तो वही रहने वाला है, यानी कि यहाँ तक तो आप सेम लिखेंगे, लेकिन इसके आगे जब 3D में भरेंगे तो यहाँ पे कितना डालेंगे, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन आपने डाला। ठीक है, अब इसको यदि मैं भरना स्टार्ट करता हूँ तो देखना सेम कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है, और ये आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं तो आप इनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए ही, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ही, यानी कि परमाणुओं के लिए ही हमने क्या किया था, इतने बड़े बड़े सिद्धांत पढ़े थे, इतने बड़े बड़े प्रिंसिपल पढ़े थे, यानी हर तरह की बातें हमने पढ़ी है सिर्फ इन्हीं के लिए। ठीक है, तो इनको जानना थोड़ा सा जरूरी है। चलो जी, अब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया यहाँ पे इस वाले चक्कर का। अच्छा जी, अब अगली कहानी की मैं बात करूं तो अगली क्या आता है यहाँ पे, टाइटेनियम। तो उसको यदि देखें तो सर वो तो सेम रहने वाला है, बस लास्ट में क्या होगा यहाँ पे 3d2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 3d2 यहाँ पे जैसे हुआ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सर ये तो पूरा का पूरा सेम रख दो, यानी कि ये कहानी तो पूरी की पूरी चेंज होगी ही नहीं कहीं से लेकर के कहीं तक। ठीक है, तो ये लो भाई, अच्छा जी, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में अब आप अगले वाले कक्षक में भरेंगे इस वाली जगह पे, सेम चक्रण, यानी कि चक्रण जो होना चाहिए वहां पे क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि सेम स्पिन का। अच्छा जी, अगली बात की जाए यहाँ पे इसकी वैनेडियम की, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रखो, कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई मेरे 3d3 आ जाएगा। अच्छा, यदि 3d3 की बात की जाए तो यहाँ पे देखना भाई मेरे क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सर यहाँ पे 3d3 हम भर रहे हैं ना, तो ये पूरा का पूरा तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे इसको ऐसे ले जाते हैं, ठीक है जी, पक्की बात है। अच्छा, यहाँ पे तो भर दिया,
अब जो ये वाला जो पूरा रहेगा ना वो सेम टू सेम पहले वाला जो ऊपर लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा यहाँ पे उतारना है। ठीक है जी, तो फिर इसे लिख ही देते हैं इसको। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आगे वाले अक्षर आपको भरना है, पहले वाले पूरे के पूरे सेम रहेंगे। चलो जी, अब अगली बात की जा रही है यहाँ पे किसकी, 3D इसके यहाँ पे वेनेडियम के बाद में क्रोमियम की। अब यहाँ पर जाकर के क्या होता है भाई, मेरे केमिस्ट्री का पहला अपवाद सामने आता है परमाणुओं का। अब पहला अपवाद कैसे होगा, अब देखना। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाला हूँ, जब उनको मैं कक्षकों में भरूंगा तो वहां पे एक अपवाद सामने आ जाएगा। कैसे देखना, आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की कहानी तो सेम है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3D 4 कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इनको यहाँ पे भरना स्टार्ट किया तो अब कैसे होगा, ऐसे होगा, पक्की बात है। चलो चल रहे तो इसको, ऐसे भरना है, एक यहाँ भरना है, एक यहाँ भरना है, एक यहाँ पे भरना है। ठीक है जी, अब आप बोलेंगे सर अपवाद कहाँ पे आया, अपवाद आपके सामने ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ। कैसे, अब यहाँ पे कहानी आती है बच्चों किसकी, अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व की। अच्छा जी, मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक कोई भी एटम है, उसका यदि यहाँ पे 4s इस प्रकार से है। ठीक है जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 3D की, इसको अलग ही लिख लेते हैं। चलो जी, ये मान लीजिए 4s है और ये क्या है यहाँ पे 3D है। अच्छा, D में कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 खाने होते हैं, 5 हो गए। ठीक है जी, ये कितना हो गया यहाँ पे 3D हो गया। अब इसी को यदि मैं नीचे एक बार फिर से लिख देता हूँ, अभी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी सर ये अपवाद यहाँ पे क्यों बना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे तीन चीजें लिखता हूं, पहली चीज तो कौन सी, पूर्ण पूरित कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक। ठीक है जी, अगली मैं बात करता हूं यहां पे किसकी, अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक। अच्छा जी, अगली मैं बात करूंगा यहां पे किसकी, आंशिक। अगली मैंने किसकी बात की यहां पे, आंशिक की। तो तीन चीजें आपके सामने आई है, तीन शब्दावली आपके सामने नजर आ रही होगी, पहली कौन सी पूर्ण पूरित, अगली कौन सी है अर्धपूरित, अगली कौन सी है यहां पे आंशिक। अच्छा जी, अब इन तीनों में आप एक चीज देखेंगे कि सर अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। यदि पूर्ण पूरित की बात करूं यहाँ पे, तो पूर्ण पूरित का मतलब होता है फुल्ली फिल्ड, यानी कि पूरी तरीके से हर जो कक्षक है वो क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से पैर है, यानी कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। यानी कि बात ऐसे कर सकते हैं क्या कि सर इसमें क्या होगा, यहाँ पे दो होंगे, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे और इसमें भी दो होंगे। अच्छा जी, लेकिन यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, अर्धपूरित की, तो अर्धपूरित कैसे होगा, यहाँ पे एक, ठीक है जी, अब यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब देखना यहाँ पे पूर्ण पूरित और जो अर्ध पूरित रहते हैं वो तो क्या होते हैं, स्थाई होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, अयुग्मित रहना पसंद करता है। तो इसका मतलब अयुग्मित रहना पसंद करता है, तो सर ये वाला तो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, और पूर्ण पूरित तो सही होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे आंशिक की, तो आंशिक किस प्रकार से हो सकता है, देखना। यदि मैं यहाँ पे इसको ऐसे भरना चाहूं, ठीक है जी, इसको मैंने ऐसे भर दिया, इसको यदि ऐसे भर दिया, ठीक है जी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि मैं इसको एक एक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि सर ये तो क्या है आंशिक, ये तो क्या है अर्धपूरित है पूरा का पूरा, ये क्या है पूरा का पूरा पूर्ण पूरित है, लेकिन जो यहां पर है ना ये क्या है आंशिक पूरित है, यानी कि ये आंशिक रूप से भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि सर ये वाला कक्षक तो पूर्ण पूरित है, लेकिन ये वाला क्या है यहाँ पे अर्धपूरित है। जब पूर्ण पूरित और अर्धपूरित हो रहे हैं तो यानी कि ये आंशिक तरीके से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ नहीं है। या तो आप जो दोनों कक्षक हैं, यानी कि जो यहाँ पे बात करता हूँ 4s की और 3d की, या तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अयुग्मित ही रहे, ठीक है, या फिर पूरे के पूरे युग्मित ही रहें। यदि मैं ऐसी बात करूंगा तो ये वाली जो कहानी रहेगी वो किस कहां पे आ जाएगी, अस्थाई अवस्था में, यानी कि यहाँ पे ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है जी, अब यही कहानी आपको कहां पे देखने को मिल रही है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्रोमियम में मुझे यही कहानी देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि सर ये वाला तो पूरी तरीके से भरा हुआ है,
लेकिन ये जो है ना, ये ना ही अर्धपुरित है ना ही ये पूर्णपुरित है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि सर एक काम करो, यदि मैं यहाँ पे इससे एक इलेक्ट्रॉन उठा करके, यदि मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन उठा करके यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ तो क्या अब ये यहाँ पे अर्धपुरित हो गया क्या? तो आप बोलेंगे सर बात बिल्कुल सही हो गई, यदि मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4s में ना डाल करके 3d में डाल दूँ तो अब यहाँ पे कहानी मेरी थोड़ी सी बन गई। अब यदि आपने यहाँ पे चेंज किया है तो क्या इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेंज नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करोगे। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा भाई मेरे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूंगा तो सर यहाँ पे जो 4s में रहेगा ना, 4s में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4s में 1 कर देंगे, ठीक है जी। और यदि मैं 3d की बात करूंगा तो 3d में अब कितने आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3d में कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, पूरा का पूरा स्टेबल हो गया, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है जी। अब आपको फिर से समझा दूँ यदि समझ में नहीं आया हो तो, जो अर्धपुरित होते हैं और जो पूर्णपुरित होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, और जो आंशिक रूप से भरे हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे कम स्थायी होते हैं, यानी कि वो स्थायी होते हैं, ठीक है जी। तो ये था क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर का, या फिर बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का पहला अपवाद क्रोमियम, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद था कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, अगली क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे परमाणु क्रमांक 25 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है जी। धन्यवाद।